अब फोर्थ एग्जांपल देखिए, जरा इसमें आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एन की वैल्यू के क्या होगी और कितने आइसोमर्स बनेंगे। मैं एक मिनट दोबारा दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। जी, ये एग्जांपल सबको दिख रही है, फोर्थ वन। तो इसमें एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अच्छा, चलिए ये बताएं, ये वाला डबल बॉन्ड सिस पास को करेगा क्यों? सही है, वेरी गुड। इस कार्बन पे एक एच है और एक सी एच थ्री है, दो डिफरेंट ग्रुप है, और इस कार्बन पे भी एक एच है और दूसरा सी एच है। व्हाट अबाउट दिस डबल बॉन्ड? ये भी करेगा, ठीक है, इस बात से एग्री है। तो इनकी वैल्यू क्या हो गई? टू। तो कितने आइसोमर बनने चाहिए? चार फोर, ठीक है। फोर बट इस केस में थ्री बनेंगे, उसका रीजन समझे। एक हाँ जी, एक सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। अगर हम उस फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूले के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास फोर ही आंसर आएगा। बट अच्छा, अभी कॉपी आई थिंक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये पूरा हैंडआउट शेयर किया हुआ है, तो उससे अच्छा है साथ साथ समझ लें, ठीक है। फोर आंसर मिलेगा, बट आपकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो फोर नहीं बनेंगे, थ्री मिल बनेंगे। ये बात आपको कब पता चलेगी कि ये वाली चीज अप्लाई करनी है और आपने एक आइसोमर कम काउंट करना है टोटल से, जब आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल। प्रीवियस केस में भी एन की वैल्यू टू आई थी और हमने फोर ही आइसोमर्स आइडेंटिफाई किए थे, हमने वहां पे एक भी कम नहीं किया था, क्योंकि अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो आप इस कंपाउंड को कहीं से भी सिमेट्रिकल या दो इक्वल हाफ में ब्रेक नहीं कर सकते। अगर मैं कहीं से भी ब्रेक करूंगा तो जो दो हाफ बनेंगे वो तो कभी भी इक्वल नहीं होते, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट नजर आ रहा है कि एक क्लोरीन है और एक CH3 है, ठीक है। तो इस केस में चार की वैल्यू आंसर हमें चार मिल रहे हैं, फोर मिल रहा है, तो आइसोमर्स भी क्या बन कितने बनेंगे? फोर ही फॉर्म होंगे। बट इन दिस केस फोर नहीं फॉर्म होंगे, थ्री फॉर्म होंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल होने की वजह से जो दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कौन से वाले? वो जिसमें पहला सिस हो और दूसरा ट्रांस हो, और पहला ट्रांस हो और दूसरा सिस हो, ये दोनों एक्चुअली सेम हो जाएंगे, ये अलग अलग नहीं रहेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंपाउंड एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है और टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। ये बात क्लियर है जी? अब्दुल्ला एंड तैयब, आप दोनों को भी क्लियर है? जी सर, ठीक है, ये देख लें। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो मैं अभी आपके सामने आइसोमर ड्रॉ हुआ हुआ है, नीचे डिस्प्लेड फॉर्म में और स्केलेटल फॉर्म में, ये कौन सा है? सिस है, ट्रांस ट्रांस है, सिस ट्रांस है, ट्रांस सिस है, दोनों ट्रांस 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 है? ये रहा डबल बॉन्ड, सही दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। ये रहा डबल बॉन्ड, दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर हैं, तो ये भी क्या हो गया? ट्रांस। तो ये मैंने जो आइसोमर इस पे ड्रॉ किया है, ये दोनों क्या है? ट्रांस ट्रांस ओरिएंटेशन में, ठीक है। ये बात क्लियर है? हेलो, हाँ, ये भी ओके। नाउ हैव अ लुक ऑन ऑल फोर टाइप्स। ये रहा डबल बॉन्ड, इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, दोनों सेम साइड पर है, तो सिस। ये रहा डबल बॉन्ड, इधर भी दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर हैं, तो ये भी सिस, ठीक है। इसमें पहला वाला सिस है और दूसरा वाला ट्रांस है। इसमें पहला मैंने ट्रांस बनाया है और दूसरा वाला मैंने सिस बनाया है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अपोजिट हो गए, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो इस केस में ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो इन दोनों को मैं दो आइसोमर काउंट नहीं करूंगा, इन दोनों को मैं एक ही आइसोमर काउंट करूंगा। तो इस वजह से एक्चुअली मुझे नंबर तो फोर मिल रहा है, बट मुझे आइसोमर्स नहीं बनेंगे बल्कि थ्री आइसोमर्स मिलेंगे। तो ये बात हम कब अप्लाई करेंगे? जब हमारा जिस स्ट्रक्चर को, जी बिल्कुल सही है, जिस स्ट्रक्चर को दिया गया है वो स्ट्रक्चर अगर सिमेट्रिकल हो तो उसके ये वाले दोनों आइसोमर एग्जैक्टली सेम बनेंगे। ये दो अलग अलग आइसोमर नहीं होंगे बल्कि ये एक ही कंपाउंड होगा। तो ये एक आइसोमर, ये दूसरा आइसोमर, और ये दोनों कलेक्टिवली थर्ड आइसोमर बनेंगे, तो ऐसे केस में थ्री आइसोमर फॉर्म होंगे। ये बात क्लियर है सबको जी? अब्दुल्ला एंड तैयब, यस।
अरीबा, आप भी ये बात समझिए कि देखें, हमारे पास दो डबल बॉन्ड्स थे और दोनों पे सिस ट्रांसफर हो सकता था, तो इनकी वैल्यू टू बनी, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि फोर आइसोमर्स बनेंगे। बट कंपाउंड के सिमेट्रिकल होने की वजह से दो आइसोमर्स जो है एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, और इस वजह से हमें फोर के बजाय थ्री आइसोमर्स मिलेंगे। ओके, तो ये सारी बातें किसके लिए इम्पोर्टेंट है? P1 के लिए इम्पोर्टेंट है। P2 में इतने बड़े स्ट्रक्चर्स के सिस ट्रांस बनाने के लिए नहीं आते, P2 में सिर्फ एक डबल बॉन्ड के अराउंड सिस और ट्रांस बनाने के लिए आता है। ठीक है, इसी तरह आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उसमें भी डबल बॉन्ड है, तो ऐसे केस में सिस और ट्रांस तब पॉसिबल है जब उस साइक्लिक रिंग में एटलीस्ट कितने कार्बन हो, 8 कार्बन हो। अगर 8 कार्बन से स्मॉलर रिंग वाला स्ट्रक्चर है तो उसमें सिस ट्रांस ऑब्जर्व नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? नीचे आंसर भी लिखा हुआ है। अगर इस केस को देखूं तो ये क्या है, ये सिस है, मगर इसका मैं ट्रांस शो ही नहीं कर सकता क्योंकि रिंग छोटे होने की वजह से अपोजिट नहीं जा सकता, रिंग ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जितने रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें इस वक्त कितने कार्बन एटम्स हैं। सर वो आपने डिजाइन फ्लेक्सिबल वाले हाँ, तो अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो ये सिस भी शो कर सकता है और ट्रांस भी शो कर सकता है, क्योंकि 8 कार्बन, मिनिमम 8 कार्बन होंगे तो उसका सिस और ट्रांस दोनों एग्जिस्ट होंगे, और इससे स्मॉलर में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं होगा साइक्लोएल्कीन्स के अंदर। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? सर, क्या इनकी भी एग्जांपल करा दो। इनकी एग्जाम्पल बनाने के लिए आती ही नहीं है बेटा कभी एग्जाम्पल? वैसे मैं करा देता हूं, देखो 6 कार्बन है, ये सिस होगा या ट्रांस होगा? ये सिस होगा, इसका ट्रांस बना के देखो कैसे बनाओगे, बन ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ट्रांस के लिए मुझे एक को नीचे लेकर आना है, और जब मैं नीचे लेकर आऊंगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, इतना जो है बेंड स्ट्रक्चर हो नहीं सकता क्योंकि लेस कार्बन है। बट अगर मेरे पास ये केस है तो ये सिस है, इसका मैं ट्रांस भी बना सकता हूँ, क्योंकि अब मोर कार्बन एटम्स होने की वजह से ये फ्लेक्सिबल हो गया है, और इस केस में मैं ट्रांस शो कर सकता हूँ। कितने कार्बन हो गए? और चार, पांचवा। ठीक है, छठा, सातवा, आठवा, और ये दोनों यूं पीछे से बॉन्ड हो रहे हैं। एक मिनट, अभी हो जाएगा, चार कार्बन वाला जा ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास इतने सारे एक साथ रिंग में एटम्स ही नहीं है, कर नहीं कर सकता, तो वो ट्रांस में जा ही नहीं सकता। ये बात क्लियर है जी? अब्दुल्ला, अरीबा एंड तैयब, आप तीनों को भी क्लियर है? जी सर। ओके, ये फाइल भेज दी है आपको, उधर से नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर्स में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, चेक करें लास्ट या सेकंड लास्ट होगी। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, बट अगेन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए स्पेस, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन थी स्टीरियो आइसोमर्स की, और स्टीरियो आइसोमर्स की दो टाइप्स थी, एक सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो इसमें पहले एक टर्म समझ लें, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन, तो पहला वाला कौन सा कहते हैं ज्योमेट्रिकल सिस ज्योमेट्रिकल ट्रांस। दूसरा हमारे पास टाइप है ऑप्टिकल आइसोमर। कायरल सेंटर या कायरल कार्बन उस कार्बन एटम को कहते हैं जो कि फोर डिफरेंट ग्रुप्स या एटम से बॉन्डेड हो, यानी कि ऐसा कार्बन जिसके चार सिंगल बॉन्ड्स हो और हर बॉन्ड पे डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, वो क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कहलाएगा। तो इससे हमें एक और बात पता चली कि अगर ऐसा कार्बन है तो ये कार्बन कायरल हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि अगर
अगर तीन डिफरेंट ग्रुप्स अटैच भी हैं तो कितने डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं? तीन। मगर डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है कि हमें फोर डिफरेंट ग्रुप्स चाहिए, तो अगर फोर डिफरेंट ग्रुप्स होंगे हैं सिंगल बॉन्ड से बनेंगे, अगर फोर डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो ही वो कार्बन कायरल सेंटर कंसिडर किया जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? अब ये केस देख लें, हाँ ये वाली लाइटें अगर जल रही है तो जरा ऑन कर दो, साइड वाली। थैंक यू। तो ये देखें, ये वाला कार्बन क्या है? कायरल कार्बन है। क्यों कायरल कार्बन है? क्योंकि एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे CH3 है, थर्ड साइड पे OH है, एंड फोर्थ साइड पे C2H5 या CH2CH3 वाला ग्रुप अटैच है। तो ये कार्बन क्या कंसिडर किया जाएगा? कायरल कार्बन कंसिडर किया जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें जी। अब्दुल्ला, अरीबा एंड तैयब, आप तीनों को भी क्लियर है? जी सर। ओके, तो बेसिकली जिन कंपाउंड्स में ये कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेंगे, उन कंपाउंड्स के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, और ऐसे कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह हमने ज्योमेट्रिकल के लिए क्या कंडीशन थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए कंपाउंड के स्ट्रक्चर में दो कंडीशन थी, एक ये कि देयर मस्ट बी अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ईच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव अ टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। अगर ये दो conditions कोई भी double bond के around वाले carbon fulfill कर रहे थे तो उसका cis or trans बन सकता था। इसी तरह optical isomer किस compound में बन सकता है? जिस compound में कोई एक carbon क्या हो? chiral carbon हो। अगर chiral carbon होगा तो cis and trans बनेगा, otherwise cis and trans form नहीं होगा। Sorry, अगर chiral carbon होगा तो optical isomer बनेगा, वरना optical isomer form नहीं होगा। और अगर chiral carbon है तो ऐसे compounds को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहा जाता है। कहते थे इस तरह को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। ये बात यहाँ तक सबको क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। तैयब, आपको क्लियर है? अरीबा एंड अब्दुल्ला? जी सर। ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहने का रीजन ये है कि बेसिकली इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि राइट पे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड्स प्लेन बदल सकते हैं, या तो किसी भी एक स्पेसिफिक एंगल पे उसको रोटेट करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये बात क्लियर है? एक ही सोर्स से तो लाइट आ रही है जी। कौन बताएगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अब्दुल्ला। जो वन डायरेक्शन यानी कि जिसकी वेव्स की वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन पे या सिर्फ एक एक्सिस पे हो रही हो, उस लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्या? हाँ, तो फोर सिंगल बॉन्ड्स है ना, तो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, पहली बात ये समझ लें प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कॉन्सेप्ट भी, मैं भी आपको बता देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। और दूसरा, जिन कंपाउंड्स में कायरल सेंटर या कायरल कार्बन होगा वो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि उनके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जिस कार्बन में एक कायरल कार्बन होगा उसे एक कायरल कार्बन की वजह से उसके कितने पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं? दो पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, और वो दोनों क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यानी कि किसमें देखा था कलेक्टिवली क्या कहेंगे उन दोनों आइसोमर्स को? हम इनेंशियोमर्स। ठीक है,
अच्छा अब दो बातें समझ लो, तो प्लेन पोलराइज लाइट वाली बात और दूसरा नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है पहले आ जाए प्लेन पोलराइज लाइट वाली बात पे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आपको सबसे एंड में बल्ब दिख रहा है और उस बल्ब से लाइट जो इमिट हो रही है वो हर डायरेक्शन में मूव हो रही है, जो कि आपको डिफरेंट एरो से दिखाया हुआ है। ठीक है उसके बाद एक आपको शील्ड दिख रही है। ठीक है उस शील्ड के बाद ये वाला जो रीजन है बेसिकली कौन सा रीजन जो आपको दो ब्राउन रिंग्स दिख रहे हैं, वो बेसिकली दो ब्राउन रिंग्स एक ट्यूब के बॉर्डर है और उस ट्यूब के अंदर एक ऐसा कंपाउंड प्लेस किया गया है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने का मतलब यह है कि उसके पास एक ऐसा कार्बन है जो क्या है कायरल सेंटर है या कायरल कार्बन है जिसपे फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच है। ये बात यहां तक क्लियर है जी? जी तैयब अब्दुल्ला एंड अरीबा आप तीनों को भी ये बात क्लियर? जी क्लियर है। अच्छा A beam of light is composed of electromagnetic waves that vibrate in all possible directions perpendicular to its path. Certain materials, such as plastic polaroid film, have the property of absorbing all the waves except one that vibrates in a particular plane. ये जो बीच में प्लास्टिक दिख रहा है इससे जब पास होगा तो देखिए इसने सिर्फ वर्टिकल एंगल वाली वाइब्रेशन वेव्स को अलाउ किया और बाकी सब वेव्स को ब्लॉक कर दिया। तो अब जो लाइट यहाँ से निकली है जो कि सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है वो प्लेन पोलराइज लाइट है क्योंकि वो एक ही प्लेन पे वाइब्रेशन हो रही है। पहले तो हर डायरेक्शन में हो रही थी ना आप एरोस की डायरेक्शन में। ठीक है तो जब वो उस प्लास्टिक मटेरियल से पास हुई जिसको उन्होंने पोलराइड फिल्म से लेबल किया था उसके बाद ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में पास हो रही है तो डेट लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है ये बात यहां तक क्लियर है सबको? जी एक मिनट ट्राई करता हूँ कि अच्छा आप लोगों को जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको इस ऑडियो की वॉइस क्लियर आ रही थी? जी सर। अच्छा एक मिनट बताए A beam of light is composed of electromagnetic waves that vibrate in all possible directions perpendicular to its path. Certain materials, such as plastic polaroid film, have the property of absorbing all the waves except one that vibrates in a particular plane. Light that consists of waves vibrating in only one plane is referred to as plane polarized. Chiral compounds interact with plane polarized light, rotating its vibration plane to the left or the right. Therefore, they are referred to as optically active compounds. Two enantiomers of the same compound will rotate the plane of polarization through the same angle, but in opposite directions.
जी अरीबा अब्दुल्ला एंड तैयब, आप लोगों को भी ये बात समझ में आ गई है? तो बेसिकली स्लाइड ने क्या किया, उस स्लाइड ने एक एंगल पे कंपाउंड में उस स्लाइड को रोटेट कर दिया, ठीक है। तो अब जो दो मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के, जो दो मिरर इमेजेस होंगे एग्जैक्टली एक दूसरे के, वो मिरर इमेजेस क्या करेंगे कि अगर एक मिरर इमेज उस लाइट को एक स्पेसिफिक एंगल पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसका दूसरा मिरर इमेज उसको एग्जैक्टली उसी एंगल पे रोटेट करेगा बट एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? सर ये रैंडमली होता है या फिर नहीं, ये उनकी उनके बाय डिफॉल्ट उनकी प्रॉपर्टी है ऐसे कंपाउंड्स जैसे उस वीडियो में तो क्लॉकवाइज हुआ की। तो वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है? हाँ, अगर उसका अब वो क्लॉकवाइज हुआ तो अगर मैं उसका वो दूसरा कंपाउंड हूँ जो उसका एग्जैक्टली नॉन अच्छा उसका सुपरपोजिबल, क्वेश्चन है। हाँ, मिरर इमेज है, जब मैं उसे इसमें करूंगा तो वो उसको एंटी क्लॉकवाइज करेगा बट सेम एंगल पे करेगा। सर उनकी फिर जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं? बॉन्ड्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, हाँ ठीक है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स में यही तो बात है कि स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आएगा, बॉन्ड्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। जी तैयब, अब्दुल्ला एंड अरीबा, आप तीनों को भी ये बात क्लियर है और आप सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। ओके, तो अब दूसरी बात करते हैं मिरर इमेज की, और कौन से मिरर इमेज की? सर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की, ठीक है। ओके, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो कैमरा देख लें ताकि आपको बात समझ में आ जाए, और आप लोगों के तो मैं सामने में देखें, ये मेरा हाथ है, अगर मैं इस हाथ को इस तरह मिरर के सामने रखूंगा तो इसका इमेज बनेगा, ठीक है। उस इमेज में मुझे सबसे सामने क्या दिख रहा होगा, सबसे स्मॉल फिंगर, और सबसे बैक पे उस इमेज पे क्या दिख रहा होगा, थंब, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों हाथों को इस तरह एक दूसरे के सामने रखें तो वही कंडीशन हो गई, सर सही है, कैमरा वही नहीं कंडीशन हो गई। तो इट मींस ये हमारे दोनों हाथ क्या हैं, मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप खड़े होकर अपने दोनों पैरों को देखें तो वो दोनों पैर भी क्या हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये देखें, ये दोनों मिरर इमेज हैं, अगर मैं इस हैंड को इस हैंड के ऊपर यूं रख रहा हूं तो क्या हो रहा है, दैट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, भैया क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया आपका, आपकी बात। अगर मैं इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रख रहा हूं तो देखें दोनों के थंब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक की फर्स्ट फिंगर से दूसरे हैंड की लास्ट फिंगर ओवरलैप हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। दोनों हाथ मिरर इमेज है मगर जब मैं इनको इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे, तो सेम यही कॉन्सेप्ट, मतलब हाँ बिल्कुल एक जैसे नहीं है ना, क्योंकि अरेंजमेंट में फर्क आ रहा है, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब आ जाइए, यहाँ पे भी वही प्लेन पोलराइज लाइट का कॉन्सेप्ट पहले दिया है और उसके बाद बताया है कि लाइट पास इसमें आपके पास ये द दोनों लिंक्स डिस्टेंस सीज वीडियो लाइट उस स्क्रिप्ट में मौजूद हैं, जो नाउ आपको दिस नोट शेयर किए पोलराइज तो आप अपने फिल्टर एंड पे ऑफ दोबारा द से उनकी एनालाइजर डिटेल में सब पोलराइज कॉन्सेप्ट लाइट क्लियर देख इज सकते आई हैं, पीस इज ठीक ड्यूल है। ऑफ वी द अब ये फिल्टर देखें, एक मिनट, नोटिस दैट व्हेन एटलीस्ट टू ग्रुप्स मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स बीच में कार्बन है ग्रे वाला, ठीक है, व्हाइट वाला लेट सपोज हाइड्रोजन है, पिंक वाला ऑक्सीजन है, ग्रीन वाला क्लोरीन है, और गोल्डन ओएच है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, सर फर्स्ट अगर स्क्रीन आप शेयर नहीं हो रहा देखें, और अगर एक तो पड़े उसको रखनी नहीं तो अच्छा एक मिनट, दोबारा शेयर करता हूं,
जी अब शेयर हो गई स्क्रीन, जी ये देखें ये दोनों एग्जैक्टली मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, ठीक है। बट अगर आप सोचें कि आप गोल्डन वाले एटम से राइट वाले मॉलिक्यूल को उठाएं, ठीक है, और उसे लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल के ऊपर रखें, तो सर ऊपर नहीं, उस पूरे मॉलिक्यूल को उसके ऊपर रखें, मतलब ओवरलैप करें, तो देखें येलो और पर्पल और व्हाइट एक दूसरे के ओवरलैप नहीं हो रहे, ठीक है। हाँ मैं दो होल्डर दो हो रहे हैं, दो नहीं हो रहे, और फर्दर वो अपोजिट भी है, ठीक है। तो कंप्लीट इट इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल कंडीशन, ठीक है, वो सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहे, तो इसीलिए ये दोनों क्या कंसिडर किए जाएंगे, एक दूसरे के इनेंशियोमर कंसिडर किए जाएंगे। ये बात क्लियर है जी? अरिबा एंड तैयब आप दोनों को भी क्लियर है? आप सबको बता दें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा बेसिकली यही चीज होती है, आप जितनी भी मेडिसिन देखें उन सब मेडिसिन में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई पेन किलर खा रहे हैं तो पेन किलर आपको पेन में तो रिलीफ देती है, मगर उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि वो ब्लड प्रेशर रेज करती है, या और हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स के रीजन ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। जब भी मेडिसिन बनाई जाती है तो हम इसके नॉर्मली जो भी मेडिसिन है उनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, ठीक सर है, तो उस कायरल सेंटर की वजह से हम उनकी स्टीरियो को कंट्रोल, जो एक्टिव नहीं होता, एक्टिव नहीं होता है, उसकी स्टीरियो को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो कंपाउंड बनता है मेडिसिन का उसमें उसके दोनों आइसोमर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और उनमें से एक आइसोमर है, जी दोनों इनेंशियोमर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और उनमें से एक इनेंशियोमर ऐसा होता है जो कि आपको उस पेन में रिलीफ दे रहा है और दूसरा आइसोमर साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है। सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर जिस तरह एक मैंने पढ़ा था कि एक किडनी पेन को रिलीफ देती है मगर उसका जो इनेंशियोमर है वो जो है ब्लाइंडनेस कॉज करता है, ठीक है। तो आप देखें ना कि जो मेडिसिन आप देखें अगर आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन उठा के, हाँ, तो हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, तो उसका रीजन मोस्टली यही होता है। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? ओके तो अगर कोई ऐसा हमारे पास मिक्सचर है, ये बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है या 1 मार्क का स्टेटमेंट भी आ सकती है कि रेसिमिक मिक्सचर बता दें, यानी कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों मिरर इमेजेस की एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट हो, यानी कि दोनों हाफ हाफ प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। उस सोल्यूशन को क्या कहा जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर कहा जाएगा। अब्दुल्ला तैयब एंड अरीबा अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दें, आप सबको भी क्लियर है? ओके, तो इस तरह बनाने के लिए आता है, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, सिंपल तरीका है? एक नहीं, अकसर वो पहले आप से पूछते हैं, आपने बताया कायरल सेंटर है, फिर वो पूछेगा कि अगर कायरल सेंटर है तो कौन से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होगी, आप लिखेंगे ऑप्टिकल, फिर वो अगले इसमें आपको दो ब्लॉक्स दिए होंगे और बोलेंगे कि दोनों ब्लॉक है, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई किया, देखिए अगर ये वाला कार्बन देखें जिस कार्बन को मैंने डॉट प्लेस किया हुआ है, ये कार्बन आपका क्या है, कायरल सेंटर है, क्योंकि इस पे एक तरफ सी एच थ्री है, एक तरफ एच है, एक तरफ सी एल है, एक तरफ ओ एच है, ठीक है। तो मैं मिरर इमेज कैसे बनाऊंगा, आप सिंपली सबसे पहला काम क्या करें, सर इसमें भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर का नाम है तो हाँ दोनों कार्बन बना लिए दोनों तरफ। अगर कायरल कार्बन में चार सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब है कौन सी अरेंजमेंट होगी, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हमने थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था और बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, दो बॉन्ड्स ऑन द प्लेन होते हैं, एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है, तो ये मैंने दोनों का ऑन द प्लेन बॉन्ड बना दिए। अब अगर मैं ऑन द प्लेन बॉन्ड इस साइड पे बना रहा हूँ अवे फ्रॉम द प्लेन, तो मिरर इमेज बनाने के लिए इस साइड वाले को भी अवे बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अबव द प्लेन बॉन्ड बनाया तो उसी डायरेक्शन में मिरर इमेज करने के लिए अबव द प्लेन बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक है। और फिर बिलो द प्लेन बॉन्ड अगर इस तरह बना रहा हूं तो मैं इसी तरह बिलो द प्लेन बॉन्ड यहां पे भी ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो देखें दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर बन रहे हैं, ये कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात मैंने पहले भी समझाई। अब मुझे पता है कि इस कार्बन पे एक तरफ सी एच थ्री लगा हुआ है,
फॉर एग्जाम्पल मैं सी एच थ्री यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी सी एच थ्री लगाऊंगा, मगर मैं इसको इस तरह लिखूंगा ताकि अगेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट जाए। अगर उधर एक्स थ्री सामने है तो इधर भी तो एक्स थ्री सामने होना चाहिए। अगर इधर एक्स थ्री सामने है इसके तो इधर भी तो एक्स थ्री सामने होना चाहिए, ठीक है? जरूरी प्रॉपर और प्रेजेंटेशन तो यही होगी ना। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ओ एच लिख रहा हूं, तो इसी तरह मैं यहाँ पे भी एच ओ इस तरह लिखूंगा मिरर शो करने के लिए। यहाँ पे मैं सी एल लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं सी एल लिखूंगा, ठीक है? और बाकी क्या बचा मेरे पास, एक एच बच गया, तो उस एच को मैं अगर इधर बना रहा हूँ तो इधर भी मैं इस एच को इधर बनाऊंगा ताकि एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाए, ठीक है? ये बात क्लियर है सबको जी? अरीबा, अब्दुल्ला एंड तैयब, आप तीनों को भी क्लियर जी है? नहीं? हाँ, स्केलेटल में नॉर्मली ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाने को देता, सिस्ट्रास आप स्केलेटल में बना सकते हैं। हाँ, ये आप जो है नॉर्मली इसी तरह बनाते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अब ऑप्टिकल आइसोमर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेम एक्सप्रेशन से जिससे हम कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करते थे, मगर यहाँ पे हम इनको क्या अज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, ठीक है? जितने कायरल सेंटर हैं, नहीं वो पावर बनेगा फिर उसके बाद वैल्यू निकलेगी, ठीक है? तो अगर दो कायरल सेंटर है तो 2 रेज़ टू द पावर 2 4, तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगी। अगर एक कायरल सेंटर है वो क्या? सिमेट्रिकल नहीं, इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि वहां से तो सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, सिमेट्री कैसे आएगी, ठीक है ना? क्योंकि उस कारण पे क्या, दूसरे कार्बन हाँ के ऑब्वियसली तभी तो वो कायरल सेंटर बनेगा। अगर एक मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन है तो उन दोनों के चारों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी तो कायरल सेंटर बनेगा वो भी। अच्छा, अब इस कार्बन पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं है इस मॉलिक्यूल में, ये बात सबको समझ में आ रही है? क्यों नहीं है? एक तरफ सी एल है, इस तरफ एच है, इस तरफ सी एच टू है, यहाँ पे भी क्या है, सी एच टू है, यहाँ पे भी सी एच टू है, यहाँ पे भी सी एच टू है, और यहाँ पे भी सी एच टू है, ठीक है? तो अगर आप देखें तो जिस कार्बन एक्सपेक्टेड था कि ये कार्बन शायद कायरल हो, क्योंकि इसके एक तरफ सी एल है और एक तरफ एच है, मगर इधर भी सी एच टू है और इधर भी सी एच टू है, और फिर अगर हम यहां से आगे कंटिन्यू हो तो यहाँ पे भी दोनों के सेम ग्रुप है, और फर्दर भी दोनों एक ही ग्रुप पे आ रहे हैं, ठीक है? तो इन दोनों में से कोई भी, इस कंपाउंड में कोई भी कार्बन एटम कायरल कार्बन कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये बात क्लियर है सबको? एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक ही स्ट्रक्चर होगा, एन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर एन इज इक्वल टू 1, एक ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, एन की वैल्यू 0, ठीक है? ओके, इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं? 2। अब देखें 2 कैसे हो गए, सिर्फ एक ग्रुप लगने की वजह से। पहले वो एक ग्रुप नहीं था तो एक भी कायरल सेंटर नहीं था, नेबर कार्बन पे एक ग्रुप लगने की वजह से 2 कायरल सेंटर हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एच, यहाँ पे क्या है सी एच टू, और यहाँ पे क्या है सी एच ओ एच, तो 2 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए दोनों साइड्स पे। तो जैसे पहले एग्जांपल हाँ, इस कार्बन पे एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ एच है, एक तरफ सी एच ओ एच है, और फिर ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, और इस तरफ सी एच टू है, और ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो ये चारों डिफरेंट है, तो ये वाला कार्बन कायरल हो गया। इसी तरह अगर आप नीचे वाला कार्बन देखें, इस पे इस तरफ एच लगा हुआ है, दूसरी तरफ ओ एच लगा हुआ है, इस साइड पे सी एच टू है, और इस साइड पे सी एच सी एल है, और आगे ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, तो ये वाला कार्बन भी कायरल हो गया, क्योंकि 1 2 सीएल एचसीएल सी एच सी एल है भाई। इस कार्बन पे है ना सी, इस कार्बन पे एच भी है, इस कार्बन पे सी एल भी है, तो मैं सी एच सी एल लिखूंगा ना, जिसका मतलब है कि इस कार्बन से दोनों बॉन्डेड है, तो ये वाला कार्बन भी कायरल हो गया, ये वाला कार्बन भी कायरल हो गया, तो अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सर
अगर CH होता और CL होता, क्या मतलब? मतलब CH है ना जैसे, और अगर एक और उसी में उसी जैसे इसी कार्बन में एक और CH होता था, तो फिर भी ऑप्टिकल ऐसे होता है पैरासिटिक। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझा। जैसे आपने जो दूसरा वाला बनाया ना उसका आपने वॉइस करके एक वो मैंने नंबर, यहां से बनाया था। हाँ जो आपने यहाँ देखो ये ओ एच है, सही, एक एच है, इस तरफ सी एच टू है सही और इस तरफ सी एच सी एल। तो सी एच सी एल है। सर अगर सिर्फ सी एच होता एच की जगह तो, किस एच की जगह? मतलब जो नीचे वाला एच है उसकी जगह सिर्फ सी एच होता, यहां पे, नीचे वाली बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन, पे, यहाँ पे सी एच होता, तो फिर ये क्या होता पैरासेंटर। यहाँ पे सी एच हो ही नहीं सकता था। उसकी वजह, उसकी वजह ये है कि देखो भाई, यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे अब मैं ओपन करके बनाता हूँ, सी एच टू है और ये चौथा बॉन्ड है। यहाँ पे सी है जिसपे एक तरफ एच लगा हुआ है, एक तरफ सी एल लगा हुआ है, एक तरफ ये चौथा बॉन्ड है। अगर यहाँ पे सी एच होता तो तो इधर भी तो दो बॉन्ड होते, वहां पे क्या क्या होता? सवाल ये, अगर वो पूरा एग्जैक्टली यही पूरा बन रहा होता तो फिर फिर नहीं होता, बट अगर एक भी एटम का डिफरेंस आ गया तो कायरल सेंटर बन जाएगा। नहीं ठीक है, तो पॉइंट क्लियर है सबको? अली, तैयब, अब्दुल्ला एंड अरीबा, जी सर। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें कौन कौन से स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं? ये नीचे ओ एच है, तो ये कार्बन क्या है? इस कार्बन को क्या बोलेंगे? कायरल अच्छा कार्बन। ठीक है, ये कायरल कार्बन है। इस डबल बॉन्ड के अराउंड सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर सकता है? दोनों कार्बन्स में ऐसा ही है, एक तरफ एच है और एक तरफ कार्बन है। इस डबल बॉन्ड के अराउंड सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करेगा और स्टीरियो आइसोमर भी शो करेगा, सॉरी सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा। तो अगर मुझे किसी कंपाउंड में दोनों चीजें हो और मुझे उसके टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने हो, हाँ आठ हो जाएंगे, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज होती है, टू एन टाइम्स टू एन, जिसमें एक एन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो सिस ट्रांस शो कर सकते हैं और दूसरा एन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। ठीक है, तो टू रेस टू दी पावर टू एंड टू रेस टू दी पावर वन कलेक्टिव क्या हो गए? एट स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। ये वाली वैल्यू मुझे क्या बता रही है? कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, और ये वाली वैल्यू मुझे क्या बता रही है? कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, और इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बता देगा। दैट इज अगेन फॉर द एमसीक्यूज पार्ट। ठीक है, ऐसे सवाल हाँ मतलब वो आपको चार ऑप्शन दे देंगे, अगर आपको ये याद होगा तो आप फॉरन से फॉर्मूले की हेल्प से जल्दी से पता कर लेंगे कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। जी, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब ओके, तैयब एंड अरीबा, तो यहाँ पे हमारे पास आइसोमर्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म्स। ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज, आप अल्लाह हाफिज। कितने पास।